अलैहि वसल्लम की शान में अशआर हम पढ़ते हैं सेगमेंट में, साथ में आप कलाम भी सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। कल हम बात यहाँ तक आई थी कल कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पैगाम दे रहे हैं मक्के वालों को, कुरैश को, क्या कह रहे हैं कि ऐ लोगों, बुतों की बंदगी के दाम से आज़ाद हो जाओ, खुदा के दामन तौहीद में आबाद हो जाओ, फंसा रखा है शैतान ने तुम्हें बातिल के फंदे में, न रखा फर्क तुमने कुछ खुदा में और बंदे में, तुम्हारे वास्ते मैं दौलत इस्लाम लाया हूँ। मेरे आका पैगाम दे रहे हैं तुम्हारे वास्ते मैं दौलत इस्लाम लाया हूँ, जो इब्राहिम लाए थे वही पैगाम लाया हूँ खुद। और क्या पैगाम है वो कि खुदाए कादिरो कहार पे ईमान ले आओ, जहाँ के मालिको मुख्तार पे ईमान ले आओ, जहालत छोड़ दो कुरान पे ईमान ले आओ, अरे बुतों को तोड़ दो रहमान पे ईमान ले आओ, बुतों को तोड़ दो रहमान पे ईमान ले आओ, अगर ईमान ले आए तो बच जाओगे ऐ लोगों, अगर ईमान ले आए तो बच जाओगे ऐ लोगों, फलाहे दुनियावी ओ उखरवी पाओगे ऐ लोगों, फलाहे उखरवी ओ दुनियावी पाओगे ऐ लोगों, और अगर ऐसा ना किया तो क्या होगा, ना मानोगे तो बर्बादी का माजरा, ना मानोगे तो बर्बादी का बादल छाने वाला है, ना मानोगे तो बर्बादी का बादल छाने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है। अब मेरे आका वॉर्न कर रहे हैं सबको कि इस पर अमल कर लो, इन बातों पर, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब मुशरिकीन का क्या आलम है, मुशरिकीन का गैज़ो गज़ब है कि बढ़ता चला जा रहा है। सरकारे दो आलम की दावत तौहीद उन बुत परस्त मुशरिकों के लिए नाकाबिले कबूल थी, तो अब ऐसी सूरत में सरकारे दो आलम की जो तौहीद की दावत उनके लिए उनके बुतों को बुरा कहने और उनकी नफी करने का एतराफ़ थी, उसके मुतरादिफ़ थी, इसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो अब क्या हुआ, अब उनका शदीद तरीन रद्देमल आना शुरू हुआ। सरकार दो आलम का खिताब सुना, मुशरिकीन मक्का अंदर ही अंदर खोलने लगे, हालांकि दिल से जानते थे कि जो भी ये शख्स कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ठीक कह रहे हैं। सरकार दो आलम की शराफत, नेक नामी, बुजुर्गी की वजह से किसी को उस वक्त कुछ कहने की हिम्मत ना हुई, लेकिन एक बदबख्त था अबू लहब, उससे रहा ना गया, वो सरकार दो आलम के सामने न जाने क्या क्या कहने लगा। क्या हुआ, खुदा का नाम जो सरकार ने लिया, खुदा का नाम गोया कहर था बुतखाने दिल पर, खुदा का नाम गोया कहर था बुतखाने दिल पर, गिरा दी हक ने बिजली तो दहे बारूदे बातिल पर, गजब की आंधियां मंडला गई लोगों की सूरत पर, सबके चेहरे उतर गए, गजब की आंधियां मंडला गई लोगों की सूरत पर, निगाहें सुर्ख होकर छा गई नूरे नबूवत पर, गजब में भर गए सारे कुरैश इस वास को सुनकर, क्यों कि उनके पत्थरों को कह दिया था आपने पत्थर, गजब में भर गए सारे कुरैश इस बात को सुनकर, क्यों कि उनके पत्थरों को कह दिया था आपने पत्थर। अब हुआ क्या, जिसे देखो जिसे देखो जिसे देखो उसी के मुंह से कफ थी कुफर बकता था, खुदा वाहिद है ये गोया समझ में आ भी सकता था, खुदा वाहिद, बुतों और देवताओं की मजम्मत जुर्म थी गोया, कि भाई ये तो नौजवान से कुछ जुर्म कर दिया हो, बुतों और देवताओं की मजम्मत जुर्म थी गोया, हुआ वो शोर हुआ वो शोर बरपा के कयामत आ गई गोया, उन्हें तो हक से नफरत थी, ये बातें किस तरह सुनते, खटकने लग गए कांटे जिन्हें वो फूल क्या चुनते। तो अब क्या हुआ, मुशरिकीन मक्का ने अपने अपने कबाइल के ज़ईफों पर, गुलामों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर हजरते बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप किस्म के बारे में सुना, उनकी अजान के हवाले से बहुत सारे वाकया सुने, लेकिन अब ये सुनिए, वो एक गुलाम थे पहले, तो अब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या किया, जो उनका मालिक था उसने, वो बदबख्त क्या करता था, वो बदबख्त उनको शदीद गर्मी में रेत पर लिटा देता था,
अरब का तपता हुआ सहरा, अरब की तपती हुई गर्मी, उस जमाने के टेम्परेचर आप सब ज़हन में रखिए। और क्या करता था ये बदबख्त कि उनको रेत पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटा देता था, और फिर क्या होता था, फिर उनको औबाशों के हवाले कर देता था। देखिए मैं और आप तो आज आका का नाम ले रहे हैं, बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन ये तो सोचिए कि इन लोगों ने किस अंदाज से, किस जमाने में, क्या जुल्म सहते हुए मेरे आका की सना की है। मैं और आप यहाँ खड़े रहकर आका की सना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो देखिए कि जो नात हजरत बिलाल ने पढ़ी है तपती हुई रेत पर, भाई वो भी तो अपने तौर पर आका की नात ही पढ़ रहे थे ना, आका का जिक्र कर रहे थे। अब ये क्या करता था, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुई रेत पर लिटा देता था, औबाशों के हवाले कर देता था। वो औबाश क्या करते थे, अगर आपको लग रहा है कि ये जुल्म का खात्मा हो गया रेत पर लिटाना, नहीं, ये तो आगाज हुआ। वो औबाश क्या करते थे, वो उनके सीनों पर भारी पत्थर रख देते थे, हाथों को पैरों से कुचलते थे, और जब वो तकलीफ से कराहते थे तो वो ये कहता था कि सिर्फ एक दफा दीन इस्लाम से इनकार कर दो, सिर्फ एक दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कह दो, मैं तुम्हें अभी आजाद कर दूंगा। लेकिन बिलाल के मुंह से सिवाय आहत 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 के कोई और आवाज ही ना निकलती थी। मक्के की तपती रेत पर कहते थे ये बिलाल, मक्के की तपती रेत पर कहते थे ये बिलाल, इश्क़े नबी की मुझको सजा बार बार दो, इश्क़े नबी की मुझको सजा बार बार दो। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी जुबां पर जारी था नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। दास्ताने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।